मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी, जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की बैठक पर करारा हमला कर दिया है। यूं कहें कि विपक्ष के पूरे कुनबे को उन्होंने लपेट लिया है और कैसे कह रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे ये लोग, भ्रष्टाचारी लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं, इसलिए इन्होंने तय किया है कि चुनाव से कुछ महीने पहले किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करके, कुछ लोगों को बरगलाकर, झूठे आरोप लगाकर सत्ता हासिल की जाए। आप जरा प्यार से बैठिए भैया, आपका उत्साह जब बूथ में आप जाएंगे वहां उत्साह दिखाना। आजकल जरा ध्यान से सुनिए, आपको मजा आएगा। एक बात मैं आपको बताता हूं, आप बैठिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया, आप बैठिए। आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है, वो शायद शब्द आपके कान पर भी आया होगा। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है वो शब्द है गारंटी। बार बार शब्द आता है गारंटी। भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है, जानना चाहिए ना भाई। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है, ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला,
1,74,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1,25,00,000 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है
जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव लेकर के आए हैं। ये इस तरह एक दूसरे को बचाने में उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये देश के लोगों को समझना है और देश के लोग हमसे भी ज्यादा इन बातों को भली भांति समझते हैं। साथियों, कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे। तो सुना आपने तमाम तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि अगर तमाम लोगों को जोड़ दिया जाए जो फोटो में दिख रहे हैं, 20 लाख करोड़ से ऊपर का घोटाला सबने किया हुआ है और हर पार्टी को इंगित करके, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर राजद हो, तमाम पार्टियों का उन्होंने नाम लिया है और मंच से खूब हमले किए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लालू प्रसाद यादव पर भी हमला किया है उन्होंने, चारा घोटाला की बात भी कहते नजर आ रहे थे। आपने सुना कि क्या क्या कह रहे थे और कहा है उन्होंने कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, कार्रवाई होती रहेगी। अब देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद प्रतिक्रिया क्या निकलकर सामने आती है। बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।